आप अगर खरीदेंगे तो 800, 900, 1000, 1500, 2000 तक मिलेगा। सबसे पहले ये प्लग एंड प्ले वायरिंग के साथ इंस्टॉल हो जाता है। आप टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं, काफी बढ़िया है। देखो यहाँ पे एक कार है, इसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ का भी सिग्नल आता है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इसमें हेडलाइट भी जलने लगती है। एक इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पे आपको वीडियो आउट नहीं मिलता, लेफ्ट राइट साइड अप डाउन फुल IPS है। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज आज हम लेके आए हैं 5 से 6 हजार के बीच में एक एंड्रॉइड स्टीरियो, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होता है। आज अगर पूरा रिव्यू आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट के अंदर कौन सा स्टीरियो 5 से 6 हजार की रेंज में मिलता है, या फिर अगर आपने कोई स्टीरियो लगाया है तो उसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई ये जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं आपके पास वही सिस्टम है या इससे भी लोअर है। बेसिकली अगर बात करूं आज के वीडियो की, तो सबसे चीपेस्ट स्टीरियो यही है, जो कि आपको 4000, 5000, 6000 तक की रेंज में मिल जाता है। जैसे कि आउटर फ्रेम लेंगे तो आपको उसके साथ 6000 का पड़ेगा, फ्रेम नहीं लेंगे तो उसके साथ आपको अलग रेट पड़ेगा। क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो भी आज बताऊंगा, और ION के अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया है क्योंकि आज हमने एक प्लेलिस्ट की शुरुआत की है जहां पे हम लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टीरियो का रिव्यू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। बिकॉज कंपनियों के प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे स्टीरियो मैंने रिव्यू किए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब जो प्लेलिस्ट आपको मैं दे रहा हूं एंड्रॉइड स्टीरियो अपडेट्स की, उसमें आपको 110% प्राइस मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, और जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसा है इस प्रोडक्ट का रिव्यू। सबसे पहले ये प्लग एंड प्ले वायरिंग के साथ इंस्टॉल हो जाता है। कोई भी एंड्रॉइड स्टीरियो अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आपको वायरिंग कट करने का इशू नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। जस्ट प्लग एंड प्ले वायरिंग के साथ ये इंस्टॉल हो जाता है। फीचर्स की अगर बात करें तो भाई स्टीरियो हमने स्टार्ट कर लिया, अभी ये ऑन होगा और आप टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं, काफी बढ़िया है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो भाई इसमें HD वीडियो क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चलाएंगे तब हम आपको म्यूजिक भी सुनाएंगे, अभी हमने इसको साइलेंट कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे इसमें एक फीचर होता है पिक्चर इन पिक्चर का, तो स्क्रीन भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। लाइक आप अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं पेन ड्राइव के वीडियोस को तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी जब आप हेडलाइट ऑन ऑफ करेंगे, देखो यहाँ पे एक कार है, इसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ का भी सिग्नल आता है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इसमें हेडलाइट भी जलने लगती है। साइड में जो कीपैड बटन है इनके अंदर भी लाइट आने लगती है। बाकी अब बात करें भाई इसके रिस्पॉन्स की, तो ये सबसे सस्ता स्टीरियो है जो कि आपको मिलता है 116 जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप फेक इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसकी फेक इंफॉर्मेशन ये है। फेक इंफॉर्मेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 232 लिख के आता है, लेकिन जब आप CPU Z में चेक करेंगे तो ये 116 ही होता है। तो भाई इसमें 132 एक वेरिएंट आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्राइस आपको 5 से 6 हजार ही पे करना पड़ेगा। अगर कंसोल की बात करें तो ये कंसोल भी आप अगर खरीदेंगे तो 800, 900, 1000, 1500, 2000 तक मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कार ये फ्रेम भी आपको मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो भी काम करेगा। अब इसमें एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आपको वीडियो आउट नहीं मिलता है, मींस अगर आप हेडरेस्ट स्क्रीन लगा रहे हैं तो भाई वीडियो आउट TS7 के अंदर नहीं मिलेगा। 5 से 6 हजार की रेंज में जो स्टीरियो है उनके अंदर वीडियो आउटपुट नहीं होता, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो मैं म्यूजिक अभी इसमें प्ले करता हूं, तो भाई म्यूजिक आप देखिए इसमें, ये देखिए वॉल्यूम मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूं, बाकी फाइनल साउंड आउटपुट हम किसी रील में आपको दिखाएंगे कि भाई TS7 का साउंड आउटपुट एक्चुअल क्या है। बाकी नॉर्मल आउटपुट होता है, आप स्पीकर पे चलाएंगे तो आपको मजा आएगा, सबवूफर वगैरह लगा लेंगे तो एक मीडियम साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि ये सबसे लोअर मॉडल है। इक्वलाइजर में आप जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स जो है वो आप यूज कर पाएंगे, जॉज पॉप क्लासिकल रॉक न्यूज ये सारे जो फीचर्स हैं वो यूज कर पाएंगे। अगर बात करें भाई IPS की, तो अगर ये वीडियो आपको चारों तरफ से प्रॉपर दिख रहा है, मींस लेफ्ट राइट साइड अप डाउन या पीछे से देख रहे हैं, तो अगर ये नेगेटिव नहीं दिखता तो ये फुल IPS है। वैसे अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर कंपनियां TS7 में फुल IPS देती हैं। बाकी अगर बात करें भाई प्राइस की, तो 5 से 6 हजार की रेंज है। बाकी अगर आप फ्रेम कैमरा या कैनवस या जो भी इसमें एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं उसका चार्ज आई थिंक आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऑफलाइन में जाके भी आप इसको खरीद सकते हैं, अगर कहीं नहीं मिलता तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में सबसे सस्ता स्टीरियो लगाना चाहते हैं या आपने सबसे सस्ता स्टीरियो लगाया है तो वो 110% TS7 ही होगा, क्योंकि 5 से 6 हजार की रेंज में सिर्फ यही स्टीरियो मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कोई आपको 116 करके नहीं बेचेगा। सब बोलेंगे भाई 232 है, मतलब 232 GB है, लेकिन ये 116 जेन्युइन है। आप चाहो तो CPU Z डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, आपने जो स्टीरियो लगाया है उसमें भी CPU Z डाउनलोड करके बताना कि उसकी जेन्युइन इंफॉर्मेशन क्या है। साथ ही साथ बात करें कि किस कार में आपको ये लगवाना चाहिए, तो भाई उन कार्स के अंदर ये बेहतर काम करता है जिनमें स्टीयरिंग माउंट बटन नहीं होते, जिनके अंदर कैनवस नहीं होता, कंपनी फिटेड कैमरा नहीं होता, मींस जिस कार के अंदर OEM फीचर्स कम होते हैं उनमें ये बेहतर काम करता है, बिकॉज इसमें ना तो वीडियो क्वालिटी होती है और इसके अंदर एक ही USB काम करता है। और अगर साउंड आउटपुट की बात करें तो नॉर्मल साउंड आउटपुट होता है। अगर आप स्विफ्ट में लगा
लगा रहे हैं, वैगनार में लगा रहे हैं या फिर मारुति की किसी भी कार में लगा रहे हैं जिसमें कैनवस नहीं लगता, उसके लिए काफी परफेक्ट है। जैसे कि हमने ईओन में लगाया, ईओन में भी इसका रिस्पॉन्स काफी बेहतरीन है। अब अगर बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो भाई नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 7 से 8 हज़ार की रेंज में, फिर बनाएंगे 9 से 10 हज़ार की रेंज में, फिर बनाएंगे हम 10 से 12 हज़ार की रेंज में। तो उसके लिए आप कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक, अब यहाँ मिलेगा सब।